हमने यही देखा है कि कंसील्ड पंक्चर्ड वुंड, एक हमने पहले भी बात की थी इन केस ऑफ इन्फेंटिसाइड, ये क्या होते होंगे कंसील्ड पंक्चर्ड वुंड्स? ये जो बेटा बहुत पतली बारीक कोई चीज किसी ऐसी पतली सी जगह के ऊपर से इंसर्ट कर दी जाए, फॉर एग्जांपल विजाइना सर्विक्स की तरफ चली जाए या नेप ऑफ नेक में, स्पेसिफिकली पिथिंग जिसके जिसको बोलते हैं इन्फेंट्स में, वहां इंसर्ट कर दी जाए, दैट कैन कॉज इंस्टेंट डेथ। सिमिलरली एम्ब्लाइकल एरिया, दैट इज वाई जब आप ऑटोप्सी करते हो तो आप एम्ब्लाइकस को स्पेयर करते हो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो एक तो हार्ड टू, वो सारा पता है आपको कि हार्ड टू रिकंस्ट्रक्ट है, इसके अलावा वहाँ पे ये आपके कंसील्ड पंक्चर्ड वुंड छुपे हुए हो सकते हैं, बनाया जाता है। सो दीज आर नेचुरली मेड बाई पेन्स एंड नीडल्स, स्पेशली अकर्ड एरियाज ऑफ द बॉडी विच आर नॉट एग्जामिन जर्नली, हम उन्हें मिस आउट कर देते हैं, तो दैट इज इट इज ऑल्सो वेरी बिग कॉज ऑफ नेगेटिव ऑटोप्सी, जहाँ पे आपको कोई और केस कॉज नजर नहीं आ रहा होता और इतना छोटा उसका होल होता है कि आप इसको मिस कर जाते हो नॉर्मली। सो दीज एरियाज है फ्रंट एंड एला, इनर कैंपस ऑफ द आई, नॉस्ट्रिल, ठीक है, ये सारी एम्ब्लाइकस, वजाइना, रेक्टम, दीज आर द कंडीशन। और स्पेसिफिकली बच्चों में ये दो बातें बहुत होती हैं, उनमें नेप के ऊपर पीछे बैक साइड के ऊपर जो है वो पिथिंग जो हो रही होती है। तो इसी वजह से आपने इन एरियाज को भी स्पेसिफिकली, जब आपको बाकी कोई फाइंडिंग्स नहीं मिल रही, तो आपने कंसील्ड पंक्चर्ड वुंड जो होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टैब वुंड्स, और उनको आपने अच्छी तरह देखना होता है। डेथ अकर्स इन इन्फेंट्स इफ अ पेन इज इंट्रोड्यूस इन द ब्रेन थ्रू द फ्रंटेनेला और द इनर कैंथस ऑफ आई, ठीक है, तो ये इंस्टेंट कॉज ऑफ होमिसाइडल डेथ होती है इन द न्यूनेट्स नॉर्मली।